अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी व्यूअर्स, ये सेम ड्राइंग है जो हम काफ़ी वीडियो से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट किया है, ठीक है, अगर हमने इस एरिया को ऑटो कैड में वेरीफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास सिविल 3D के क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अगर आप इन पे आप देखें तो इन पे सारे सिविल 3D की जो है वो कमांड वर्किंग कर रहे हैं। तो ये सिविल 3D के सेक्शन है, तो अभी हमने इनको ऑटो कैड में वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम इनका ये जो दो सर्फेस हैं इनका डाटा डिफरेंट वे से हम लोग एक्सपोर्ट करके देख चुके हैं कि एक्सेल में कैसे कैसे हम इसको लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी दो रिपोर्ट हमने एक्सट्रैक्ट की थी, ठीक है। तो पहली रिपोर्ट जो थी वो हमने लिस्ट से एक्सपोर्ट की थी, आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। ये पीसी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है डाटा, ठीक है, ये OGL सरफस का है, ठीक है, ये डाटा जो है, और ये उसकी जो डिज़ाइन सरफस है ये उसका डाटा है, ठीक है। तो हम इसी डाटा से अभी क्रॉस सेक्शन ड्रा करके देखेंगे और सिविल 3D क्रॉस सेक्शन के एरिया से कंपेयर करके देखेंगे के दोनों डाटा से इसमें कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो मेरे पास ये कुछ NGL के सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा फार्मूला लगाया है इसको, ठीक है, कैटिनेट, ओके। तो टेक्स्ट वन में जो है हमारा ऑफसेट की वैल्यू आएगी, यहाँ पे कॉमा आएगा और यहाँ पे हमारी एलिवेशन की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये ड्रैग हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ और ऑटो कैड में ये मैंने एक टेम्पलेट लगा के रखी है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्रॉस सेक्शन की आपके पास टेम्पलेट है आप इस तरह उसको सेट करके रख सकते हैं। तो मेरे पास ये डिफरेंट मैंने तकरीबन ये 12 नंबर टेम्पलेट बना के रखी हैं, ठीक है। तो हम वन बाई वन इनमें क्रॉस सेक्शन ड्रा करेंगे और इनका एरिया चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ और लिस्ट आज आपसे शेयर करूंगा जिससे आप अपने ऑटो कैड में क्रॉस सेक्शन इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये जो टेम्पलेट है, ठीक है, सबसे पहले हमें इसका ओरिजिन सेट करना है, ठीक है। मैंने इसका डेटम ऑलरेडी जो है इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू जो है 720 जो इसका डेटम मैंने सेलेक्ट किया है। तो हमारा जो डाटा है वो 720 से 820 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4-5 मीटर के डिफरेंस से है वो डाटा, मगर प्रिंटिंग के लिए हमें ये शीट रिक्वायर्ड होता है ऐसा एरिया, तो इसके लिए मैंने डाटम ऐसे इसका सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके डाटम सेलेक्ट करने के लिए जो है मेरे पास लिस्ट है, ओके, ये 4 लिस्ट हैं जो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो मैं चारों को वन बाई वन जो है वो लोड करता हूँ, लोड, ओके, क्लोज। तो सबसे पहला जो लिस्ट है, अभी जो आपने स्क्रीन पे देखी है लिस्ट, ओरिजिन सेट करने के लिए जो हमारे पास लिस्ट है वो MM है, ओके। और जो हमारी सरफेस डिज़ाइन और एग्जिस्टिंग सरफेस है उसके हमने जो एनोटेशन करनी है, जो उसका OGL का स्टेशन ऑफसेट जो है, ठीक है, ऑफसेट और एलिवेशन के लिए हम MS लिस्ट भी यूज़ करेंगे। और अगर हमने इसमें कुछ एनोटेशन करनी है तो हमारे पास ये जो CORD के नाम से लिस्ट है ये हम लोग यूज़ करेंगे। और अगर हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ये लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। सबसे पहले हमने इसका डेटम सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे MM कमांड देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि आप ओरिजिन सेट करें, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट जो है एक्स वैल्यू 0 होती है, हमने सिर्फ इसमें वाई वैल्यू देनी होती है। तो वाई वैल्यू जो हमारी डेटम की वैल्यू 720 है वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ओके। मुझसे पिक पॉइंट का पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे इसको पिक पॉइंट देता हूँ। तो ये मेरा डेटम सेलेक्ट हो गया है। अगर अभी आप इसको वेरीफाई करना चाहें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वेरीफाई कराता हूँ कि ये हमारा जो है अभी डेटम सेलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 720 का पॉइंट है और सेंटर लाइन से इसका डिस्टेंस जो है वो राइट और लेफ्ट में वो 0 है। तो ये सेंटर लाइन पे हमारा डेटम सेलेक्ट हो गया है, ठीक
तो अभी मैं इसमें डाटा जो है एक्सेल से इंपोर्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास 26 का स्टेशन है, ये डाटा हमने लिस्ट से एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं ऑटोकैड में जाके पॉलीलाइन की कमांड देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं इसको सिंपल कंट्रोल वी करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं उसके ऑफसेट के हिसाब से जो सरफस में डाटा था, ठीक है, वो हमारा लेफ्ट साइड में ज़्यादा आ रहा है, राइट साइड में डाटा नहीं है। तो अभी हम इसकी एनोटेशन करेंगे। यहाँ पे लेबल जो हमने उधर बेंड में लगाए थे, यहाँ भी हम ऑटोकैड में बेंड में इसके लेबल लगाएंगे। तो इसके लिए मैं एम एस की कमांड देता हूँ, लिस्ट ऑलरेडी हमने लोड कर ली है। तो मैं ये लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आके फर्स्ट क्लिक आपने ऑफसेट वाले कॉलम में करनी है, रॉ में करनी है, और सेकंड जो है आपने एलिवेशन वाले में करनी है। तो ये डाटा आपका इधर प्लॉट हो गया है, ठीक है। इस डाटा को मैं थोड़ा सा जो है वो स्टाइल चेंज कर देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी एक स्टाइल बना के रखा है टेक्स्ट का, ओके। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ओके। सेम ऐसे इसी को मैं करता हूँ, ओके। तो ये जो डाटा के वर्टेक्स हैं वो आसपास में है, इसलिए ये डाटा जो है थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है। आप इसका टेक्स्ट साइज कम करेंगे तो ये सही से हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी OGL सरफेस थी हमारी, ठीक है। इसका डाटा हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। अभी हमने इसमें अपना जो डिज़ाइन सरफेस है 26 पे, वो हमने इसमें प्लॉट करनी है। तो 26 पे हमारे ये पॉइंट है, ओके। मैं ये फार्मूला कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ओके। इसको मैंने अभी कॉपी किया इस टेक्स्ट को, और ऑटोकैड में मैंने पॉलीलाइन की कमांड एंटर की है और अपना डाटा पेस्ट कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेक्शन ड्रा हो गया है हमारा, ठीक है। अभी आज इसका हमने एरिया लेना है, तो इसके लिए मैं इसको ऑफ करता हूँ एक दफ़ा। आप बाउंड्री कमांड से पहले इसकी बाउंड्री बनाएंगे, ओके। ये बाउंड्री बन गई है। अभी मैं इसमें एरिया ऑन की जो कमांड है वो देता हूँ, एरिया ऑन, और इसको स्केल इसका 1 ही है और डेसिमल मुझे 3 चाहिए इसमें, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं इस बाउंड्री को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये एरिया इसका आ गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको जो है वो स्टाइल जो है ये जो ये इसमें मैं मैच कर देता हूँ, ओके। ये स्टाइल मैंने मैच कर दिया और मैं इसका आइसोलेशन जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये वाला जो एरिया है वो हमें यहाँ पे चाहिए। ये एरिया हमारा फिल का था, ये इधर आ गया। तो ये था जिस जो लिस्ट पे हमने डाटा एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, ये उससे एरिया आया है, ये वाला जो है, ठीक है। तो अभी इसकी एनोटेशन बाकी है ऊपर वाली सरफेस की, वो हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे सेक्शन में तो कैसे करनी है। ये 26 का सेक्शन था, ये जो लिस्ट पे हमने डाटा एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, ये एरिया उससे आया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं हमारे सिविल 3D सेक्शन में 29 स्टेशन में, ठीक है, सॉरी 26 स्टेशन में कितना है इसमें डाटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 49.32 एरिया है और हमारे ऑटोकैड में भी 49.32 एरिया है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मैच कर रहा है लिस्ट के डाटा से भी, ये मैच कर रहा है, ठीक है। अभी हम सेम सेक्शन को हम देखेंगे कि हमने जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से डाटा एक्सपोर्ट किया है उससे इसमें कितना फ़र्क आता है, सेम डाटा आता है या नहीं आता है। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का डाटा ये है हमारे पास, ऑलरेडी हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। तो इसका 26 का स्टेशन मैं देखता हूँ कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 26 का स्टेशन है इसका, ठीक है। सेम फार्मूला है इसके लिए, और यहाँ पे जो है ये हमारे स्टेशन ऑफसेट है, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे एलिवेशन वैल्यू है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया। तो सबसे पहले हमने इसमें अभी ओरिजिन सेट करना है, ठीक है। पहला ओरिजिन हमारा ये है, अगर हम वही डाटा अभी पेस्ट करेंगे तो वो इसी पे आके लग जाएगा। तो जबकि हमने उसको कंपेयर करना है, इसलिए हम अभी इसको इस सेक्शन में ड्रा करेंगे। तो मैं MM की कमांड देता हूँ, 720 है डाटा हमारा,
और यहाँ पे मैं पॉइंट पिक करता हूँ। तो ये डेटम हमारा सेलेक्ट हो गया है अभी, ठीक है। सेम सेक्शन जो हमने ऊपर ड्रा किया है वही हमने अभी दूसरे डेटा से इधर ड्रा करना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ ऑटोकैड में मैं इसको पॉली लाइन की कमांड देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं सेम जो ओजीएल की लाइन यहाँ पे ड्रा हुई थी अभी हमारी इस सेक्शन में ड्रा हो रही है, ठीक है। तो अभी इसका जो है हम डाटा दूसरा लेते हैं, ये इसका डिजाइन सरफेस का डाटा है, ओके। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पॉली लाइन से पेस्ट करता हूँ। पॉली लाइन हमारी पेस्ट हो गई है, ठीक है। अभी हमने इसका एरिया लेना है, तो मैं इसको एक दफ़ा आइसोलेट करता हूँ, हाइड करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बाउंड्री की कमांड देता हूँ, ओके। और ये मैंने इसका बाउंड्री बना दिया है। अभी एरिया उनकी कमांड देता हूँ मैं और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी आइसोलेशन जो है मैं एंड कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ये एरिया जो है हमने अभी मूव करके यहाँ पे रख देना है, ठीक है। ये 49.33 है, ओके। और ये 49.33 है, ओके। ये भी सेम है और ये भी सेम है, ओके। 1-2 मिली का जो डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम सिविल 3D में देखें, ठीक है, तो ये 49.32 है, ठीक है। तो ये एरिया जो है इसमें मैच कर रहा है। अभी सम सैंपल लाइन पे जो है ये एरिया मैच नहीं करेगा, हम वो भी देखते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे ज़्यादा डाटा है सेक्शन में, लिस्ट में वहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ठीक है। तो हम कोई और स्टेशन भी चेक कर लेते हैं, जैसे ये 48 का स्टेशन है, ओके। कॉमा, एलिवेशन, कॉपी किया मैंने इसको। इससे पहले हमने इधर अपना ओरिजिन सेट करना है ऑटोकैड फाइल में। तो अभी हम इस सेक्शन में आ गए हैं। मैं यहाँ पे फिर एमएम की कमांड देता हूँ, 720 देता हूँ और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ओरिजिन हमारा सेट हो गया है। अभी हमने अपना डाटा इसमें पेस्ट करना है। मैं कॉपी करता हूँ, ओके। और यहाँ पे ला के मैं पॉली लाइन और मैं अपना डाटा यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये सेक्शन हमारा ड्रा हो गया है, ठीक है। अभी हम इसके लेबल लगा लेते हैं, ठीक है। इसके लिए MS की कमांड है, ओके। MS, ओके। ये हमारे लेबल ड्रा हो गए हैं। ऑलरेडी मैच प्रॉपर्टी से हमने देख लिया था कि इसको हमने कैसे करना है, इसलिए मैं बार बार नहीं करूंगा इसको, ताकि वीडियो लेंथी ना हो। अभी हमने इसका डिज़ाइन जो है वो इस पे पेस्ट करना है। तो 48 स्टेशन है, यहाँ पे 48 स्टेशन का मेरे पास ये डाटा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पॉली लाइन से इसको पेस्ट करता हूँ। सेक्शन हमारा बन गया है। अभी इसको मैं एक दफ़ा हाइड करता हूँ और इसकी मैं बाउंड्री बना लेता हूँ, ओके। एरिया वन, ओके। 1, 3, ओके। एरिया हमारा आ गया है। अभी मैं इसकी आइसोलेशन जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल है, इसको मैं यहाँ से इसको मैच कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को अभी मैं मूव करके जो है हमारा एरिया जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। तो ये एरिया जो है हमारा आ गया है, ठीक है। 342.571, ओके। ये हमारा 46 स्टेशन का है। तो 46 स्टेशन हम यहाँ से देख लेते हैं कि इसका एरिया कितना है। 338.64, ओके। 338.64, 338.64, ओके। तो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे थोड़ा एरिया ज़्यादा आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अभी इसी एरिया को हम जो है वेरीफाई करते हैं कि जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से आया है वो कितना आ रहा है।
ओके अभी मैं इसका ओरिजिनल चेंज करता हूँ, एमएम ओके 720 ओके, ये हो गया ओरिजिनल ओके। अभी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे 46 पे स्टेशन पे हमने देखना है कि हमारा एरिया क्या आता है ओके। ये 46 का स्टेशन है ओके, यहाँ पे मैं इसको, ये हमारी वैल्यू है ओके, और नेक्स्ट ये वैल्यू ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ ओके, और यहाँ पे पॉली लाइन से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये आ गया है। अभी हमारा जो है यहाँ पे ये जो डिज़ाइन का डाटा है इसको मैं कॉपी करता हूँ ओके, और इसको मैं यहाँ पे पॉली लाइन से पेस्ट करता हूँ ठीक है। तो अभी तक हमने डिज़ाइन सरफेस के लेबल नहीं लगाए थे, तो एक दफ़ा मैं इसके भी लेबल लगाता हूँ ओके। ये डिज़ाइन सरफेस के लेबल आ गए हैं ओके, और फिर मैं इसको कमांड देता हूँ, यहाँ हमारे जो है वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड पे लेबल आ रहे हैं, तो ये लेबल हमारे कंप्लीट हो गए हैं एक सेक्शन के ठीक है। इनका स्टाइल जो मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ मैच करके मैच प्रॉपर्टी से कि ये कैसा आता है ओके। ओके तो ये एक सेक्शन के लेबल हमारे कंप्लीट हो गए हैं ठीक है। अभी हमने इसका एरिया टेस्ट करना है कि एरिया कितना आता है इसका ओके हाइट बाउंड्री एक पॉइंट ओके एरिया ऑन ओके, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका एरिया आ गया 338.635 ओके, और यहाँ पे कितना था 342 ओके, और हम इधर सिविल 3D में देख रहे थे 338.64। तो जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है वो सेम सिविल 3D से मैच कर रहा है ठीक है, 338.64 338.64। तो प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से जो हमने डाटा एक्सपोर्ट किया था वो एग्जैक्ट जो है वो मैच कर रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का जो डाटा है वो बिल्कुल 100% करेक्ट होता है ठीक है, उसमें कोई भी वर्टेक्स मिसिंग नहीं होता है ठीक है। तो इसलिए जो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो है वो सही वर्किंग करता है सिविल 3D के साथ के, क्योंकि वो उसका बाई डिफॉल्ट एप्लीकेशन है ठीक है, और उसी के लिए डिज़ाइन हुआ है, तो उसमें डाटा जो है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज डाटा आता है। तो ये डाटा वेरिफिकेशन का वीडियो था कि हम अपने क्रॉस सेक्शन डाटा को ऑटो कैड में कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो हमने डाटा वहाँ पे अभी तक बनाए थे जितने भी डाटा वो वेरीफाई कर लिए हमने कि हमारी क्वांटिटी जो है अगर हम ऑटो कैड में करें या सिविल 3D में करें तो क्वांटिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बस सिविल 3D की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रीसाइज इसलिए होती है कि वो सरफेस से डाटा लेता है और बहुत क्लोजली जो है उसके वर्टेक्स से डाटा लेता है, जबकि अगर डायरेक्ट से हम ऑटो कैड में प्लॉट करें तो ये इतना प्रीसाइज डाटा हम साइड से नहीं ला सकते हैं, इतना नियरेस्ट जो डाटा होता है ठीक है, तो उसमें हमारी क्वांटिटी जो है वो कम आती है ठीक है। तो इस वीडियो पे अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।